इतना ज्यादा एकदम ऊपर से देख सकते हैं आप। सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज गाइस अपन ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेवल करते हुए। सो आज जा रहे हैं, अभी का है एग्ज़ाम, तो अभी को एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हैं यार, आगे देखते हैं क्या होता। आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये है मेरा रीवा, माय रीवा लिखा हुआ है, यही है मेरा रीवा। गाइस आप लोगों को गाइस इधर की मैं पेंटिंग दिखाता हूँ, कितनी अच्छी पेंटिंग की आप लोग देख सकते हैं। ये पूरे जो ऊपर से रिंग रोड ब्रिज गई है उस पर ये नीचे पावा बने हैं, क्या ही मस्त कलर के पेंट हुए। सो गाइस अभी का एग्जाम तो दिला दिए हैं और अब चलते हैं घर। गाइस आप लोग इस साइड भी देख सकते हैं, कितनी क्यूट क्यूट पेंटिंग की गई हुई है। और इस साइड भी देख सकते हैं, कितनी मस्त मस्त क्यूट क्यूट सी पेंटिंग की गई है। गाइस बहुत मस्त लग रहा है, मेरे को लग रहा है यहाँ से मैं आऊँ ही ना, बट घर तो जाना पड़ेगा गाइस। सो गाइस अपन अब आ चुके हैं एसएफ ग्राउंड। हाँ तो गाइस ये इधर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और उसी साइड है एसएफ ग्राउंड, और एसएफ ग्राउंड पे एक जिम भी है जो कि आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है। तो ये जिम है गाइस जो दिखी अभी, वो जिम थी। सो गाइस अपन पहुंच गए हैं एक मंदिर में जहाँ पे शिव जी हैं, यहाँ पे उतार देते हैं स्लीपर और फिर चलते। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैं शिव जी और नंदी भगवान है, और यहीं पे हैं कई सारे भगवान। बट यहाँ का मैं व्यू दिखाने लाया हूँ आप लोगों को, कि यहाँ से वो आप लोगों को दिखाने लाया था, एकदम पूरा ठंडा ठंडा व्यू है, एक नंबर का। सो अपन मेरे को कुछ छूट गया था एक्चुअली, मैं एग्ज़ाम किसी का दिलाने गया था और उनका एग्ज़ाम हुआ और मैं कुछ छूट, मतलब सूट के मन से मैं नहीं गया था, एग्ज़ाम के मन से गया था, इसलिए वहाँ का सूट भी कुछ नहीं किया। सो यहाँ पे आने के बाद सोचा कुछ शूट कर ले, मेरे को कई दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह पे आके शूट करूँ, बट फाइनली आज आ गए हैं और यहाँ का आज कर ही लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एकदम इनका, जिनको पेपर दिलाने गया था इनका है। दो ब्लॉगर आ चुके हैं यहाँ पे और पानी कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे, और फिसलन भी हल्की हल्की है। तो अब लोग देख सकते हैं कि फिसलन भी हल्की हल्की है, बट कोई नहीं, अपन आराम से इसको क्रॉस करते हैं। मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए क्रॉस कर रहा हूँ। इससे मेरे को एक चीज़ याद आ गया कि आज से 2 से 3 साल पहले मैं जिस स्कूल में जाता था तो एक वहाँ नहर पड़ती थी जो कि छोटी सी थी, तो
तो छोटी सी थी और वहाँ पे बारिश जब ज़्यादा बारिश हो जाती थी तो इसी तरह पूरा पानी चलने लगता था। देख सकते हैं आप लोग पूरा सिस्टम। और वहाँ पे एक मंदिर बनी है, वो दिख रही होगी आपको, ये देखिए। सो अब चलते हैं अपन यहाँ से, ठीक है। ठीक है अपन चलते हैं, ऊपर है एक मंदिर, यहाँ पे उतारते हैं जूती को और फाइनली चलते हैं ऊपर। फाइनली ऊपर तो अपन लोग आ गए हैं और यहाँ पे ये है भगवान की मूर्ति है, जी आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि पूरी नहर एकदम फुल चल रही है, पूरी नहर एकदम ऐसा लग रहा है कि ऊपर से ना निकलने लगे, पूरी नहर फुल चल रही है। क्या अभी चल रही है नहर तो और ज़्यादा मेरे को लग रही है कि पटरी के ऊपर से ना पानी निकलने लगे, इतना ज़्यादा एकदम ऊपर से देख सकते हैं आप लोग। सो गाइस घर आ गए हैं अपन और जो कुछ भी था वो सूट अपन किए, और मैंने बताया ना कि सूट के मूड से नहीं गया था इसलिए कुछ सूट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि सीन थे, बहुत सीन थे, बट मैं सूट नहीं किया। सो क्योंकि सूट के मूड से मैं गया ही नहीं था कि मेरे को ब्लॉग करना, बस एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम निकालने गया था, तो सोचा कुछ ना कुछ कहीं पे थोड़ा सा कर लिए। सो कर लिया यार अपन, और अब थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ। अभी 3 बज रहे हैं, है ना, तो 3, 4, 5 अपन 2 घंटे रेस्ट करेंगे। 5 बजे के बाद फिर अगर क्या करते हैं देखिए, आपको पता ही चल जाएगा 5 बजे के बाद क्या करेंगे गाइस। सो गाइस अपन आज खाने वाले इडली, ये चटनी सांभर नहीं बना है, कोई बात नहीं इडली खा लेंगे। और इडली गाइस खाने के बाद मिलते हैं, और इडली खाने के बाद वीडियो को कर देंगे एंड। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो बताएं। सो आई होप गाइस आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को गाइस शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।